हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना सोना सिंह आप सभी का स्वागत है सपना सिलाई सेंटर में। तो देखिए, आज मैं आप लोग को बैक नेक प्लाजो डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं बॉर्डर से आपको डिज़ाइन बताऊँगी, तो बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इस बॉर्डर से डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो पहले हम इस बॉर्डर को कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए कपड़े एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने बॉर्डर की कटिंग कर ली। चलिए, तो अब यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी चौड़ाई में ले लूँगी 10.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर ली हूँ और इसकी लंबाई ले लेती हूँ 14 इंच। और देखिए, यहाँ पे शोल्डर जो ले रही हूँ 6 इंच का शोल्डर है। यहाँ पे भी अच्छे से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। अरमोल की लंबाई लेंगे 5.5 इंच और यहाँ पे 1/2 इंच को बाहर की तरफ लेते हुए हम यहाँ पे सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधे में लाइन ड्रॉ करने के बाद हम गले की मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। तो पूरे पे हम गले की मार्क करेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर से डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, पूरे कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कोने से हम 1 इंच का रखते हुए उस पर अरमोल की गुलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे फिटिंग लेंगे तो 34 इंच है। तो इस तरह से हाफ करते हुए हम 17 इंच हो जाएगा। इस तरह से इंची टिप से हाफ कर आप यहाँ से फिटिंग निकाल सकती है। तो देखिए, यहाँ पे 8.5 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो ठीक, इसी तरह हम नीचे की तरफ से भी निकालेंगे। तो नीचे की तरफ है 25 इंच की फिटिंग। तो इस तरह से हाफ करते हुए हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह से 5.25 आएगा। तो हम लगभग ले लेंगे 7.5 इंच, क्योंकि डाट भी लगाना है। तो डाट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम 7.5 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो मार्क किए हैं उसको सीधे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सीधे में लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो बाहरी मार्किंग किए हैं बिल्कुल उस बाहरी मार्किंग पे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। तो देखिए, इस बॉर्डर की भी कटिंग हुई है और ये भी। तो इसके बीच की पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इससे हम इसकी बीच की पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई में 14 इंच रखी हूँ और इसकी चौड़ाई कुछ इस तरह से मैं ले लूँगी। तो आपको जितना गला का सिर्फ जितना बड़ा चाहिए उतना आप रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लूँगी। तो 9.5 इंच पे यहाँ से रखते हुए नीचे की तरफ से 4.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसको तैयार करूँगी 3.5 इंच पर। तो इसलिए मैं 4.5 इंच पर इसको मार्क कर इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए, कुछ इस तरह से 4.5 इंच पर अच्छे से सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो लाइन ड्रॉ किए हैं बिल्कुल उस लाइन ड्रॉ पे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, आप इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल फोल्डिंग लगाइएगा, इससे अच्छा से बनता है और अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह से आप इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इसको हम साइड रख लेंगे, बाद में इसको जोड़ेंगे। पहले हम इस बॉर्डर से डिजाइन बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से पहले कपड़े को हम ले लेंगे और कपड़े पे हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग किस तरह से करनी है, तो अच्छे से पहले हम इस कपड़े को सीधे कर लेंगे। सीधे करने के बाद हम इंची टिप से 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे। देखिए, 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए सीधे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसके सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे पूरे पे मार्क कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूरे पे मार्क हो गई है। अब हम इसको पूरे में मिला लेंगे। तो देखिए, हम इसके बीच में एक छोटे छोटे मार्क करेंगे। तो बिल्कुल इसके बीच में मार्क करना है। तो कुछ इस तरह से इसके बीच में मार्क कर लेंगे। तो देखिए, इसकी मार्किंग हो गई है। कुछ इस तरह से इसकी तिरछे में मार्किंग करनी है। तो बीच वाले जो छोटा मार्क किए हैं उससे बड़े वाले मार्क में मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है।
तो देखिए कुछ इस तरह से हम दूसरी तरफ से भी मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है आप इसे देखिए। तो देखिए इसी तरह से पूरी की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये सीधे साइड में मैं मार्किंग कर दी हूँ, तो ठीक इसी तरह मैं दूसरे पार्ट पे भी इस तरह से मार्किंग कर लूँगी, जिससे सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी हो। तो इसी तरह से मैं पूरे पे देखिए कैसे मैं मार्क की हूँ, बिल्कुल इसी तरह आप मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए दोनों पार्ट पर अच्छे से मार्क हो गया है। अब हम इस बॉर्डर को सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस बॉर्डर को कैसे हम उल्टे की तरफ से रखेंगे, इसको पलट कर हम सीधा कर लेंगे। तो उल्टे की तरफ से हम रख कर इस तरह से जो मार्किंग किए थे बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते हुए, सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बॉर्डर को और कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए जो तिरछे में हमने कटिंग की है बिल्कुल उस कटिंग के किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे सेंटर में इसके कट लगा लेने हैं, छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे पलट कर इसका कोने का जो शेप है बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए इस तरह से इसको पलट लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको पलट ली हूँ। अब इसके कोने को निकालने के लिए आपको पास जो होगा उसकी मदद से आप यहाँ से इसके कोने को निकाल लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से पूरा कोने अच्छे से निकल जाएगा, जिससे जो शेप है गला को बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि मैं कैसे इन तीनों का कोना निकाल लूँ, बिल्कुल इसी तरह मैं बाकी सबका निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे बाकी सबका निकल चुका है। हम यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम किनारे किनारे पर इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे पे सिलाई लग चुकी है। अब ये जो अंदर का भाग है इसको हम इस तरह से नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए ये सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि मैं इसकी सिलाई कैसे लगाई। तो ठीक इसी तरह आप भी इसकी सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए ये पहला जो सिलाई हो चुका है, ठीक इसी तरह मैं दूसरे की भी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट की सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हम एक और डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। इसकी डिज़ाइन बनाने के लिए हम दूसरे कपड़े को कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप यहाँ पे 2 इंच पर भी मार्क कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ, इस तरह चौड़ाई में उस समय थोड़ा ज़्यादा ले लेती, तो इसलिए आप वहाँ पे बराबर ही ले लीजिएगा। चौड़ाई लंबाई दोनों 2-2 इंच का रखिएगा और इस तरह से कपड़े की कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं बोली थी ना 2 इंच रखेंगे, तो एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच लेने के कारण मुझे कट करना पड़ा, और कट करने के बाद मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम एक बर्फी शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो आपको वीडियो में क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं इसकी कैसे फोल्ड कर सिलाई कर रही हूँ, ठीक इसी तरह आप भी कर लीजिए। तो देखिए इसी तरह से मैं बहुत सारा बना लूँगी। तो बहुत सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए इसके बीच में सेंटर में रखते हुए इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई लगाई, जो हमने बाहरी फिनिशिंग की सिलाई लगाई थी बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इसके बीच में इस तरह से रखते हुए हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे पे डिज़ाइन लग चुकी है। तो ठीक इसी तरह हम दूसरे में भी लगा लेंगे। तो देखिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा जो इधर कपड़ा है तो सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हम इस कोने को कट कर साइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुकी है इसकी, बिल्कुल बराबर आया है डिज़ाइन।
तो ठीक इसी तरह हम दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे, तो यहाँ पे दोनों पार्ट की सिलाई हो चुकी है। तो चलिए हम इसके बीच की पट्टी की सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस डबल फोल्ड का जो कपड़ा था उसको हम एक तरफ से पहले सिलाई कर लेंगे। एक तरफ से सिलाई करने के बाद अच्छे से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लग चुकी है। तो एक ही तरफ से सिलाई करना है जो ऊपर की तरफ से रखेंगे गले की। तो देखिए इसकी सिलाई कैसे लगानी है, पूरी लंबाई इसकी 7 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच को छोड़ते हुए हाफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन को रखते हुए मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंच को सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ते हुए अच्छे से मार्क कर ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप अगर सिलाई लगाना चाहें तो आप यहाँ पे तिरछे में भी सिलाई लगा सकती हैं या सीधे में भी सिलाई लगा सकती है। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले आपको बता देती हूँ, अच्छे से यहाँ पे सीधे में एक सिलाई लगा लीजिएगा जिससे बराबर हो, नहीं तो तिरछे में सिलाई लगाने से ज़्यादातर लोगों की तिरछा हो जाता है। तो देखिए मैं सीधे में सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे तिरछे में भी सिलाई लगा ली हूँ। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम दूसरी तरफ भी टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से टक्स की सिलाई लग चुकी है। तो देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंच को डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के बाद बड़े गले में थोड़ा सा कट करना ज़रूरी होता है जिससे बराबर हो जाए। नीचे की पट्टी लगाने के लिए मैंने 2 इंच का कपड़ा लिया। तो इस तरह से सीधे कपड़े को रखते हुए हमने पट्टी की सिलाई लगा दी है। ठीक इसी तरह से इसको पलट कर उस सिलाई के जस्ट बगल में ही एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस कपड़े की सिलाई लगा दी हूँ। और इस पट्टी को जो लगाना है बॉर्डर को, मैं नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लूँगी। आप चाहे तो इसकी तिरपाई भी कर सकती हैं, नहीं तो इसकी फिनिशिंग भी सिलाई लगा सकती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसकी डोरी बना लेते हैं। तो देखिए डोरी लटकन कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं रेडीमेड डोरी ली हूँ। इस रेडीमेड डोरी से मैं लटकन बनाऊँगी। आप चाहे तो इस कपड़े की भी डोरी बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम इस लटकन को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हम इसको डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से कुछ पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पलटने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लटकन बनकर तैयार हो चुका है। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरा भी लटकन बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे दूसरा लटकन भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो चलिए इसको ब्लाउज में कैसे अटैच करना है, तो यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट अटैच कर दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने डोरी को अटैच कर चुकी हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।